हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग स्टैटिक जीके के अंदर डांसेस को, फेस्टिवल्स को और बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। चूंकि आपको पता है कि इस बार जो अपॉर्चुनिटी है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अगले 10 साल में इतनी वैकेंसीज नहीं देख पा रहा हूँ। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय बचा है। प्रतिदिन अगर कोई भी स्टूडेंट, मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि 10 घंटे की पढ़ाई करेगा तो उसका इस साल एग्जाम क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो अगले 5-6 दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप सूट अप हो जाएगा, वो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना बेस्ट दे रहे होगे। अभी तक हमने जो स्टैटिक डिस्कस किया है उसके आगे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने ट्राइब्स को लास्ट क्लास में बहुत सारा डिस्कस किया, जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड की टॉपिक को भी डिस्कशन करेंगे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इससे पहले आप लोगों से, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये वीडियो कोर्स पिनाकल टीम के द्वारा आपके लिए डिजाइन किया गया है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी और वैकेंसीज को देखते हुए ये जो कोर्स है आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट हमारा, जो 6500 जो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 6500 प्लस TCS की MCQs और ये वीडियो कोर्स अच्छे से कवर करेगा, उसका जो स्कोर है वो 100% Tier 1 हो या Tier 2 हो उसमें बढ़ेगा। ये हमारे तरफ से हम उम्मीद कर सकते हैं और इसी उम्मीद के साथ हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो थ्रेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो होराइजन है, उसको हम लोग व्यापक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग में से जो भी बच्चे हमारे साथ नया जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए और रोज़ देखिए, और जितने भी MCQs कराते हैं उसको एक टेस्ट की तरह भी आप ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूं कि मल्टीपल डायमेंशन को टच करूं, आपको एक क्वेश्चन के अलावा भी बहुत चीज़ बताऊं। तो ये वीडियो कोर्स आप हमारे वेबसाइट से या हमारे एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से परचेज कर सकते हैं। आप लोगों में से जिस बच्चों के पास हमारे स्क्रीन पर जो ब्लू बुक दिख रही है वो है, तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। जिसके पास नहीं है वो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से इस बुक को भी खरीद सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी को, किसी भी कैंडिडेट को ये बुक नहीं मिल रही है, प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे जाके इसको जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें, क्योंकि इसको जाने में भी 2-3-4 दिन लगते हैं। तो अब जो टाइम है, जो 35,000 से ज़्यादा, लगभग तकरीबन 36-37,000 के आसपास वैकेंसीज हैं SSC के, इसको देखते हुए पूरे जोर शोर से लग जाना है। फेस्टिवल्स भी खत्म हो गई हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो, थोड़ा हार्श है, लेकिन आपका फिर सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत घट जाएगा। तो सारी जो आपकी बदमाशियाँ है उसको साइड कर दीजिए और प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ये जो ब्लू बुक है ये बहुत अच्छी ब्लू बुक है। ये आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। और ये ठीक यही बुक हिंदी में भी हमारी टीम पब्लिश करती है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में सेम कंटेंट के साथ ये अवेलेबल है। तो आइए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ते जाएंगे बाकी सब टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो आज आपके सामने जो टॉपिक है वो पेंटिंग ड्रेस को ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और ट्राइबल्स को, उसके बाद हम लोग इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड में फर्स्ट वो भी टॉपिक आज से लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो आज पहला क्वेश्चन है वो है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू कजाली पेंटिंग्स, ठीक, कौन सा पेंटिंग, कजाली पेंटिंग्स, इन विच नो ब्रश इज यूज, कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता उसमें, ट्रेडिशनली बिलोंग, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं चारों, झारखंड, तमिलनाडु, केरला या राजस्थान, बताइए। ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो कौन से पेंटिंग है जहां ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, उसको कजाली पेंटिंग कहते हैं, किस राज्य को बिलोंग करता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इज राइट आंसर कजाली पेंटिंग का, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली ब्लैक काजल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ब्लैक काजल का इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ स्टोन कलर जो होता है ना उसका इस्तेमाल होता है। देखिए प्राचीन काल में भी ना स्टोन कलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आज तो मॉडर्न टाइम में आधुनिक भारत में हम देखते हैं, आधुनिक दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स भी अवेलेबल है, लेकिन पहले आप देखे होंगे अजंता केव, एलोरा केव्स में जो वॉल्स पर पेंटिंग बनी हुई है वो सारी पेंटिंग स्टोन कलर से ही बनते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल ग्रुप ट्रेडिशनली लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी समूह नहीं है? ठीक है, ध्यान देना है, नहीं है, बताइए नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? सेंटलीज, ओंगे, जरावा या मुंडा, बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडा। अच्छा, जब इसका राइट आंसर मुंडा, तो आपको एक क्वेश्चन और साथ साथ याद हो जाएगा, वो ये होगा कि ये सेंटलीज, ओंगे और जरावा जो हैं, ये बिलोंग करते हैं कहां से? अंडमान निकोबार से। ठीक है, ये अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया, मुंडा ट्राइब्स नहीं बिलोंग करते हैं और ये जो बाकी तीनों हैं ये अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा मुंडा ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? तो एक तो झारखंड आप सभी को पता होगा, ठीक है, झारखंड। अच्छा, ये जो जनजातियां होती हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, जो एथनिक लोग होते हैं ना, ये बाउंड्री से नहीं बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई स्टेट में अगर कोई समूह पाया जाता है तो उस स्टेट के एडजेसेंट जो राज्य हैं, जैसे कि मान लो कि झारखंड के बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है या वेस्ट बंगाल है, तो झारखंड वाले जो ट्राइब्स है ना, वो बाकी आपको राज्यों में भी मिलने के आसार होते हैं। तो ये जो मुंडा ट्राइब्स हैं, ये झारखंड में तो पाया जाता है, इसके अलावा आपने देखा होगा ये उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मुंडा, और उड़ीसा के अलावा वेस्ट बंगाल, ठीक है, और इन सब के बगल में कौन सा एक देश है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी मुंडा ट्राइब्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागुरुम्बा इज अ स्पेस ऑफ बोडो कम्युनिटी इन आसाम। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। बागुरुम्बा जो है वो क्या है? स्थानीय खेल है, लोक नृत्य है, पेंटिंग शैली है या औपचारिक जुलूस है? बागुरुम्बा, ध्यान देना है आपको, जो टर्म है बागुरुम्बा, राइट, बागुरुम्बा क्या है बताइए? तो बागुरुम्बा बेसिकली एक फोक डांस है। ठीक है, बागुरुम्बा है एक फोक डांस है। ठीक है, और बागुरुम्बा कहाँ का फोक डांस है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसाम का। अभी आपसे पूछा गया है कि बागुरुम्बा क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बागुरुम्बा इज ए फोक डांस किस राज्य का है? ठीक है, तो आसाम आपको याद रखना है। ठीक है, आसाम के कुछ और डांस देख लेते हैं, जैसे कि बिहू आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्या बिहू के अलावा आप कोई फोक डांस बता सकते हैं हमको जो असम का हो? ठीक है, तो बिहू के अलावा एक है भोरताल, भोरताल, और फिर ओजापाली, ओजापाली। ठीक है, ये भी एक फोक डांस है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअल फोक आर्ट ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ केरला? निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य का पारंपरिक लोक कला है? बताइए, पारंपरिक लोक कला है, फोक आर्ट है। फोक डांस की बात नहीं हो रही है, फोक सॉन्ग की बात हो रही है, फोक आर्ट की बात हो रही है। ठीक है, पारंपरिक कला की बात हो रही है। ठीक है, केरला आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप जो उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा उसको आप माइंड में रख लेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक तो आपका है ये केरला, दूसरा है आपका फोक आर्ट। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे देखना है कि क्या ऑप्शन है। ठीक है, मार्गोमकल्ली, मंजरी, फर और पिथौरा, बताइए ये चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शंस राइट होंगे? आई होप कि आप मेरे साथ टेस्ट भी दे रहे होंगे। मैं हर एक क्लास में अपने बच्चों को बोलता हूँ, ये एक व्हाइट शीट, एक कॉपी रख लो, 1 से 50 तक मार्क करो, जो भी आंसर यहाँ हो ए बी सी डी उसको मार्क करो, और फिर से आप इसको देखो, और फिर आप देखो कि आपके जीएस में आपकी स्थिति क्या है। ठीक है, उसके अनुसार आप अपने मेहनत को जीएस में और बढ़ाओ घटाओ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 35,000 सीट्स दोबारा नहीं आएंगे अगले 10-15 साल में, तब तक आप सभी की एज निकल जाएगी। प्लीज एक महीना अपना बेस्ट दो, मैं यहाँ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट नहीं होगा, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आप देखता हूँ आप लोग में से कई लोग बहुत अच्छा आंसर देते हो, काफी ट्रू आंसर देते हो आप लोग। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। बताइए इसका आंसर, रिचुअल फोक आर्ट केरला, केरला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्गोमकल्ली। ठीक है, मार्गोमकल्ली बेसिकली एक फोक आर्ट है केरला का। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट कौन करता है मार्गोमकल्ली को? ये जो सीरियन क्रिश्चियन है, ठीक है, केरला में, वो बेसिकली इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये लिमिटेड है एक दो डिस्ट्रिक्ट में केरला के, वो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा? एक तो है कोट्टयम, कोट्टयम और थ्रिसूर,
ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, ये सीरियन क्रिश्चियन रहते हैं और ये फोक जो आर्ट है ये मार्गो मकली, इसको ये लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गोट्स अंडर फर इज वोवेन इन टू फाइन सॉल कॉल्ड पासमीना सॉल्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि पासमीना सॉल से आप सभी लोग काफी फैमिलियर होंगे, ठीक है? किस बकरियों के आंतरिक फर को पासमीना सॉल नामक मशीन सॉल में बुना जाता है, बताइए? कश्मीरी गोट, जमनपारी गोट, अल्पाइन बकरी या बोअर बकरी, बोअर गोट, बताइए। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी गर्म ऊन होता है पासमीना का, पासमीना का सॉल काफी प्रीशियस और कॉस्टली भी होता है, ठीक है? आप लोग इसका नाम सुने होंगे, नाम तो इनफैक्ट जरूर सुना होगा आप लोगों में से, और आजकल जानते हैं ऑनलाइन का जमाना है तो अवेलेबल हो भी जाती है कुछ चीजें और फ्रॉड भी बहुत हाई लेवल पर होती है, ठीक है? तो जब भी आप लोग पश्मीना शॉल खरीदें, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने माँ के लिए ही खरीदेंगे, है कि नहीं? ठीक है, बताइए पश्मीना शॉल को किस बकरी से निकाला जाता है इसकी ऊन को? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है कश्मीरी गोट, ठीक है? कश्मीरी गोट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे जो जबरदस्त प्लेजर होता है वो क्या होता है, जिस दिन आपका पीडीएफ में नाम आएगा ना एसएससी के एग्जाम में या कोई और एग्जाम में, और जब आप शाम को अपने रिजल्ट देखने के बाद अपने माँ पापा को फोन करोगे, वो मुझे लगता है, मैंने अपने तजुर्बा से वैसे मोमेंट देखी है, वो दुनिया का सबसे प्लेजर वाला मोमेंट होता है, ठीक है? तो आई होप मेरा पूरा विशेष आपके साथ है, उस मोमेंट के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, प्लीज भगवान से मनाइए कि मोमेंट आए कि आप फोन करके अपने माँ को बोले कि माँ मैं एएसओ लग गया हूँ, ठीक है? मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जडो पाटिया इज अ फॉर्म ऑफ पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। जडो पाटिया क्या है जो कि एक झारखंड में पॉपुलर है? जडो पाटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग है या स्कल्पचर है, बताइए। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन पढ़ते समय क्या ध्यान देना है, दो चीजों को ध्यान देना है, बाकी सारे सेंटेंस को भूल जाइए, जडो पाटिया और ये झारखंड में, ठीक है? अब आपको याद रखना है कि झारखंड में आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने डांस, पेंटिंग्स, फेस्टिवल्स याद किए हैं, जडो पाटिया क्या याद आ रहा है आपको? तो बताइए जडो पाटिया क्या है झारखंड का? यस, बिल्कुल सही, आप लोगों में से जिन लोग भी पेंटिंग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जडो पाटिया एक तरह का पेंटिंग है जो झारखंड में देखा जाता है, पॉपुलर है, ठीक है? और ये बेसिकली आप जानते होंगे एक वहां पे ट्राइब्स हैं संथाल्स, संथाल द्वारा ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? ये जो पेंटिंग है इसको बनाया जाता है, ठीक है? हम लोग हिस्ट्री के जब क्वेश्चंस करेंगे तो संथाल के बारे में और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरावल्ला, कदर, मुड्डुवर आर लैंग्वेज स्पोकन बाई ट्राइब्स फैमिली ऑफ द स्टेट ऑफ। तीन लैंग्वेज दिया हुआ है, कौन सा? इरावल्ला, कादर, मुड्डुवर। ये कहा जाता है कि किस राज्य के ट्राइब्स हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या महाराष्ट्र? क्या होगा आंसर इसका? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या महाराष्ट्र? इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु, बिल्कुल सही। जो लोग का भी तमिलनाडु आंसर है वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वेयर इन इंडिया कैन वी फाइंड जरावा एंड ओंगे ट्राइब्स। काफी आसान क्वेश्चन है, प्लीज ऐसे क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, काफी न्यूज में ये ट्राइब्स रहे हैं, पेपर में इनफैक्ट कुछ साल से ही लगातार रोज आते थे जरावा ट्राइब्स के बारे में, ठीक है? बताइए कहाँ के हैं, आपके ओंगे नहीं भी पता है, अगर आपको जरावा पता है तो पूछा रहा है कि जरावा ओंगे किस राज्य में है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ ट्राइब्स और हैं वहां, सोमपेन, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये भी अंडमान निकोबार आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमने कुछ समय ही पहले देखा, कुछ स्लाइड पहले, सेंटिनलीज, ठीक है? सेंटिनलीज, ये ट्राइब्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं अंडमान निकोबार से। इनफैक्ट कुछ साल पहले की बात है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कुछ फॉरेनर, एक फॉरेनर थे, वो सेंटिनलीज के एरिया में घुस गए थे, है ना? उनको ऐसा लगता था कि वो सेंटिनलीज को अपना फ्रेंड बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे, आप यूट्यूब पे उनके बारे में देख सकते हो। तो उनको सेंटिनलीज जो ट्राइब्स थे उनको मार दिए थे, ठीक है? तो ये लोग इतने डेंजरस हैं क्योंकि ये अपना जीवन अपने ढंग से जी रहे हैं, अगर कोई इसमें हस्तक्षेप, आप घुस जाएंगे उनके एरिया में, है ना, हस्तक्षेप करेंगे तो वो तो फिर उनको गुस्सा आना तय है ना, ठीक है? तो इनको अपने स्थिति में छोड़ देना चाहिए, ठीक है? बहुत कम बचे हुए हैं, एक तरह से हमारे ये कल्चरल हेरिटेज है ये ट्राइब्स, ठीक है? तो इनका सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है, हमें अननेसेसरी इनके एरिया में इनक्रोच नहीं करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉचे इज अ ट्रेडिशनली ब्राइड ग्रूम्स
सोड वर्न ड्यूरिंग ट्राइबल वेडिंग सेरेमनी इन। बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे किस राज्य में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, बताइए। बोचे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स जो हैं बेसिकली इस सोड का इस्तेमाल करते हैं अपने शादी के समय। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का स्लीवलेस सिल्क शर्ट होता है जिसको लोग पहनते हैं इस दौरान, ठीक है, और इस तलवार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू पेंटिंग इन इंडिया? भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत वाला ऑप्शन पता करना है। ठीक है, बताइए, सूरा चित्रकला उड़ीसा, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, फाड राजस्थान, गुलेर कर्नाटक, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इनफैक्ट आपको रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जिसका सही सुमेलित नहीं किया गया है, सही नहीं मिलाया गया है उन युग्मों को। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है गुलेर पेंटिंग। गुलेर पेंटिंग जो है वो कर्नाटक का नहीं, वो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश का, आप यह ध्यान रखेंगे। गुलेर से गुलेर आप देख सकते हैं, गुलेर एक फल भी होता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गुलेर जो है फल पेड़ पे ऊपर उगता है, तो हमारा जब इंडिया का मैप हम देखेंगे, ठीक है, तो हिमाचल कहीं यहीं आता है। ठीक है, तो ऊपर में है गुलेर, ये आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लाइक नियासी, अपातानी एंड बोकार आर वाइडली स्पोकन इन। नियासी, अपतानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या असम, बताइए। आपको ये सब ध्यान रखनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, आपको रिकॉल करना है कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, और पहला आंसर आपको जो मिलेगा उसको आपको मार्क करना है। अगर आपको आइडेंटिफाई करने में परेशानी हो रही है, आपको याद नहीं आ पा रहा है कि कौन सा इसका आंसर है, तो आपको वो आंसर मारना है जो आपको पहले बार पता चल रहा है कि ये होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके फिर करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक तरह का डायलेक्ट होता है टानी डायलेक्ट। ठीक है, ये डायलेक्ट के अंदर ही ये लैंग्वेज आता है। ठीक है, टानी डायलेक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच इंटेल्स डेलिकेट ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ फैब्रिक्स लाइक सिफोन, मुस्लिन, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी एंड सिल्क। ठीक है, ऐसा एक इंपॉर्टेंट हैंडक्राफ्ट है जिसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफोन, मुस्लिन, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे रेशों पर महीन पारंपरिक हस्त कढ़ाई से संबंधित है। क्या पीस ऑफ ये आर्ट होगा, आप सोचो इतनी चीजों का इस्तेमाल करना, बताइए ऑप्शंस। बुनाई, काशीदारी, चिकनकारी और नीडल लेंस। काफी आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है ये, तो राइट आंसर इज क्या होगा, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इज चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी आप लोग कई लोगों ने सुना होगा, चिकनकारी का काम जो उत्तर प्रदेश में काफी पॉपुलर है और काफी खूबसूरत इसके साड़ियां भी आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेखेला चादर इज अ ट्रेडिशनली ड्रेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है, बताइए। मेखला चादर किस राज्य का एक पारंपरिक पोशाक है? ठीक है, मेखला चादर, त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या असम, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है असम। जो मेखला चादर है ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये असम का है। ठीक है, और इसको पहनता कौन है, असम की वुमेन पहनती है इसको। ठीक है, मेल नहीं पहनते इसको, वुमेन पहनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैब्लो पिकासो, वो सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, पैब्लो पिकासो, क्लॉड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गॉन वर फेमस फॉर देयर। पैब्लो पिकासो आप सभी को पता होगा, बाकी का नाम पता नहीं भी हो तो काम चलेगा। पैब्लो पिकासो, क्लाउटो मोन्टेल, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गॉन
अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए, आर्ट वर्क, वेस्टर्न म्यूजिक, सोशल वर्क या बैलेट परफॉर्मेंस? बैलेट परफॉर्मेंस बताइए। तो बेसिकली आप जानते हैं पाब्लो पिकासो वाज ए ग्रेट पेंटर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्ट वर्क। ठीक है, आर्ट वर्क के लिए ये सारे पॉपुलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन प्लेस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी? अभी अभी हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन को, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये रिपीट क्वेश्चन का बहुत फायदा होता है कि हमें चीजें बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो, लगातार आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो, देख रहे हैं तो, बताइए रांची, लखनऊ, जयपुर, रायपुर या इंदौर? तो सब लोग, आप लोग से मैक्सिमम जानते हैं ये लखनऊ के लिए पॉपुलर है। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ के लिए पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचन्स अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेचन्स अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल, केरला, नागालैंड, तेलंगाना? बताइए। राइट, ये आंसर तेलंगाना है। आप लोगों ने जिसका भी आंसर तेलंगाना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और तेलंगाना आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के कुछ और ट्राइब्स जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो आप क्या मुझे बता सकते हैं? जैसे कि ये तो आप याद रखिएगा, ठीक है, चेंचूस, ठीक है, ये बेसिकली आंध्र और तेलंगाना दोनों में पाए जाते हैं, तेलंगाना दोनों में पाए जाते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में बहुत सारे ट्राइब्स को भी हम डिस्कस करेंगे, उस समय भी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब से जो हम अभी कुछ कुछ ट्राइब्स देख रहे हैं तो इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमारी और रिविजन भी आगे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस पशु का प्रयोग करते थे? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ मूवी देखी होगी तो MF हुसैन साहब का वो पोस्टर भी इस्तेमाल किया गया है। बताइए, एक्सक्यूज मी, बताइए, इसका राइट आंसर है हॉर्स, घोड़े का इस्तेमाल MF हुसैन साहब करते थे, ठीक है, अपने पेंटिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स और एंग्रेविंग्स इन ऑर्नामेंट्स विथ कलर्ड इनेमल्स इज कॉल्ड? गहनों में नकाशी या खांचे पर रंगीन दत्त वल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फुलकारी, जरदेई, मीनाकारी या चिकनकारी? चिकनकारी बताइए। चिकनकारी एक बहुत पॉपुलर है, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इसे, इसको आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको, अब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जो प्रोसेस पूछ रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस पूछ रहा है कोटिंग ग्रुप्स और इंग्रेविंग इन ऑर्नामेंट्स, ठीक है, रंगीन दत्वलों से लेप चढ़ाना या गहनों में नक्शनकारी जो कहा जाता है वो क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है? ये बेसिकली इसको कहते हैं मीनाकारी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं मीनाकारी। अच्छा, इसमें कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं इस कलाकारी में? तो बेसिकली इसमें ब्रास, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और गोल्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, मीनाकारी जो डिजाइनिंग होती है इसमें इन सब जो मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड रिनाउंड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनली एम्ब्रॉयडरी स्टाइल चिकनकारी? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी रिपीट होंगे। चलिए फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा आंसर, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद या उदयपुर? अभी हमने तुरंत डिस्कस किया है कि इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। ठीक है, तीन क्वेश्चन हम लोग चिकनकारी से डिस्कस कर चुके हैं, कैसे भी आपको याद रखना है चिकनकारी को, कैसे भी आप चिकन करी की तरह याद करो, लेकिन इसको याद रखो क्योंकि एग्जाम में ये एक एक क्वेश्चन आपको आपके रैंक को अच्छा बढ़ाएंगे और आपको आपके मन के हिसाब का जॉब मिलेगा। ठीक है, बहुत फर्क पड़ जाता है, एक रैंक पीछे जिसका आता है ना उसमें आपका रैंक 35,000-34,000 आएगा और किसी का रैंक उसमें 500-600 आएगा, उस दोनों में बहुत फर्क पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा, ये जो चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल है इसको कहा, बेसिकली ऐसा बिलीव्ड है इसको नूर जहां ने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नूर जहां ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द प्ले
मिर्च कटिका द लिटिल क्ले आर्ट इज ए सोशल ड्रामा विथ टचेज ऑफ ग्रिम रियलिटी। ठीक है, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाट्य मिर्च कटिका, मिट्टी की छोटी गाड़ी, किसने लिखा था? रैदासा, माँ कालिदास या सुंदर का? बताइए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सो दैट हमारा मेमोरी हो वो अच्छा हो जाए। बताइए, हम सब जानते हैं शूद्राक ने इसको लिखा था, ठीक है, और पॉसिबली ही बिलोंग टू 5th सेंचुरी। ठीक है, उस समय शूद्राक ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू सिक्किम? सिक्किम के कौन से ये जनजाति हैं? बताइए, अंगामी, भूटिया, गोंड या चेंचू? अंगामी, भूटिया, गोंड, ये देखिए थोड़े से नाम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप इनको याद करें। ठीक है, बताइए, सिक्किम का पूछ रहा है ना, सिक्किम का पूछ रहा है कौन से ट्राइब्स हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में बेसिकली ये भूटिया ट्राइब्स है। ठीक है, भूटिया याद कर लीजिए, भूटिया ट्राइब सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, इनका ओरिजिन जो है वो बेसिकली तिब्बत से है। ठीक है, तिब्बत बगल में है सिक्किम के, सिक्किम में ये पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो तिब्बत से है। ठीक है, और ये तकरीबन कहा जाता है ऐसा कि 16th सेंचुरी के अराउंड ये तिब्बत में से आपके सिक्किम में माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द कैसेरे हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। देखिए, इतिहास के क्वेश्चन सब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि इतिहास के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। बताइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया था जिसको कहते हैं कैसेरे हिंद, वो किस फेमस इंडियन पेंटर को दिया गया था? जामिनी रॉय, अबिंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस? बताइए, चारों में से क्या होगा आपका आपका आंसर? इसका जो आंसर है वो है राजा रवि वर्मा। इनको लॉर्ड कर्जन ने 1904 में ये उपाधि दी थी। ठीक है, कैसेरे हिंद गोल्ड मेडल का से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू विच स्टेट डज द बाघ स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल आर्ट पेंटिंग बिलोंग? वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? वस्त्रों पे बाघ, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? बताइए, वस्त्रों पे बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, काफी आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का संबंध महाराष्ट्र है? ठीक है, पेंटिंग का, कलाम, मधुबनी, मिनिएचर और वर्ली? कहीं ना कहीं ये भी एक आसान क्वेश्चन है। बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ली, और ये बेसिकली एक ट्राइबल आर्ट है। ठीक है, ये एक ट्राइबल आर्ट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये बहुत लार्ज स्केल पे आज प्रैक्टिस होता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ली में, वर्ली जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, और ये एक तरह का ट्राइबल आर्ट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, द पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज ओरिजिनली? अच्छा, आपने भारत माता का पेंटिंग देखा होगा ना, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या कोई भी ऐसा ओकेजन होता है तो एक भारत माता का फोटो हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भारत माता का जो पेंटिंग है वो मूल रूप से सबसे पहले किसने बनाई थी? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, नंदलाल बोस या अबिंद्रनाथ टैगोर? इसका जो राइट आंसर है वो है अबिंद्रनाथ टैगोर। और कब बनाई थी? 1905 में। वो जो भारत माता का फोटो आप हमेशा देखते हैं झंडों पे, या बहुत बार देखते हैं पोस्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है, वो भारत माता का जो पहला फोटो, जो पिक्चर था, पेंटिंग था, वो अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। प्लीज इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। ठीक है, मेरे तजुर्बा से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप लोगों से बहुत ध्यान से अगले एक महीना पढ़ेगा, मैं इतना मतलब समझता हूँ कि उसका SSC का जो Tier 1 है एग्जाम, वो क्वालिफाई होने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 95% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के एक पारंपरिक चित्रकला है? बताइए, वर्ली, अभी हमने डिस्कस किया वर्ली, पटचित्र, सांझी या मधुबनी? बताइए। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पटचित्र। ठीक है, मधुबनी बिहार का पेंटिंग है, वर्ली हमने डिस्कस किया अभी महाराष्ट्र का। ठीक है, और ये पटचित्र है बेसिकली वो जो है वो एक हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर है। ठीक है,
तो हिंदू मैथोलॉजी से जो पेंटिंग या जो भी कला इंस्पायर होता है उसमें हम हिंदू मैथोलॉजी का कुछ साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरखा कटंगा वॉज द किंगडम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। गाढ़ा कटंगा निम्न से किस जनजाति का राज्य था, बताइए। बैगा, कोलिस, गोंड या भील। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो बेसिकली ये गोंड ट्राइब्स है, ठीक है, गोंड ट्राइब्स है, इनका ये किंगडम था गरखा कटंगा। ठीक है, ये बेसिकली बस्तर रीजन के आसपास के ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण हैड मेड द कार्टून गट्टू फॉर विच कंपनी। अच्छा, आर के लक्ष्मण एक फेमस कार्टूनिस्ट थे, आप लोग इनको जानते होंगे। इन्होंने एक कार्टून बनाया था गट्टू। ये पूछ रहा है कि वो जो गट्टू कार्टून बनाया था वो किस कंपनी के लिए बनाया था, बताइए। ओनिडा, निर्मा, एशियन पेंट्स या अमूल। तो बेसिकली ये जो बनाया था वो बनाया था एशियन पेंट्स के लिए। आपने देखा होगा गट्टू को, आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं गट्टू, तो आपको एशियन पेंट्स के साथ डब्बा के साथ वो गट्टू जो कार्टून है वो मिलेगा आपको। ठीक है, और ये जो आर के लक्ष्मण है इनके भी एक बहुत प्रसिद्ध इनके भाई थे, वो थे आर के नारायण। आर के नारायण ये बहुत ही बड़े राइटर थे। मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि आर के नारायण किस फील्ड से जुड़े हैं तो आपको बताना है कि ही वॉज अ राइटर, वो एक लेखक थे। ठीक है, और ये इनकी बहुत एक पॉपुलर बुक है मालगुडी डेज। ठीक है, कितने लोगों में से पता है, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आप लोग ये मालगुडी डेज आपने पढ़ा है या यूट्यूब पे ये पूरी सीरीज पढ़ी हुई, क्या आप लोगों में से कोई देखा है इसको, बताइएगा मुझे करके प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेंटिंग दमयंत्री, द पेंटिंग दमयंत्री वॉज इन पेंटेड बाय। दमयंत्री चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, राजा रवि वर्मा, कालिदास, जोफान जोफानी या अबिंद्रनाथ टैगोर, बताइए। आप लोगों को पेंटिंग ध्यान रखना है, कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है, दमयंती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा काफी पॉपुलर पेंटर थे, राजा रवि वर्मा है ना, इनके ऊपर बहुत सीरीज वगैरह भी बन चुकी है। ठीक है, बहुत मूवी में इनका जिक्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर इन इंडिया, अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि बहुत बड़े पेंटर थे भारत के। हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ दिस स्टेट, किस राज्य को बिलोंग करते थे, ठीक, किस राज्य के रहने वाले थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या केरला, बताइए किस राज्य के रहने वाले थे राजा रवि वर्मा, जो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर थे। तो बेसिकली ही वॉज फ्रॉम केरल। ठीक है, वॉज फ्रॉम केरल। और ये केरला की जो रॉयल फैमिली थी, जो केरला की जो रॉयल फैमिली थी जिसको उस समय हम लोग ट्रेवनकोर के नाम से जानते थे, उसके काफी करीब थे ये। ठीक है, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक सॉन्ग ऑफ पंजाब ऑफन शोज द सोरनेस ऑफ लवर, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस चुके हैं, प्लीज बताइए। लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न वो कौन सा आर्ट है अक्सर एक प्रेमी की व्यवस्था को दर्शाता है, बताइए। टप्पा, जुगनी, भांगरा या झोड़ा, बताइए। ये हम लोग पहले डिस्कस हो चुके हैं, ये बेसिकली है इसका राइट आंसर, वो है टप्पा। मैंने बताया था कि टप्पा में बेसिकली लव स्टोरी वगैरह को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ का है, पंजाब का, ये भी आपको याद रखना है, टप्पा इज फ्रॉम पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोक आर्ट पेयर्स इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है, ठीक है, बताइए। बेसिकली आर्ट का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। क्या मधुबनी चित्रकारी बिहार का है, तंजोर कला राजस्थान का है, पच्चित उड़ीसा का है, कलजमेट्टू तमिलनाडु का है, आपको इसमें से गलत वाला फाइंड करना है। ठीक है, गलत वाला, तो इसका जो गलत है वो है तंजावुर आर्ट, ये बिल्कुल राजस्थान से नहीं है, तंजावुर आर्ट जो है ये राजस्थान से नहीं है। तो तंजावुर जो कला है तंजोर का वो कहाँ से है, वो है तमिलनाडु से, ये है तमिलनाडु से, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तंजावुर कला तमिलनाडु से, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आप। ठीक है, तंजावुर आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ना, चिकनकारी के बारे में इतनी बार क्वेश्चन आ रहा है। आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ से काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेरियल स्कॉल भारत का एक लुप्त प्राय कला रूप है, लुप्त जो कि लुप्त हो चुका है, जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार नकाशी परिवार के द्वारा किया जाता रहा है। वर्तमान में उस राज्य का नाम बताएं जहां यह कला है। अभी ये कला कहाँ पे एग्जिस्ट करता है उस राज्य का आपको नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल या तेलंगाना। ठीक है, चेरियल स्क्रॉल्स, ठीक है, क्या है? डाइंग आर्ट है, विलुप्त होता हुआ एक आर्ट है। ठीक है, आपको बताना है कि किस राज्य को ये बिलोंग करते हैं मॉडर्न डे। अभी कहाँ पे ये अभी भी एग्जिस्ट करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना में आज भी चेरियल जो स्क्रॉल से जो आर्ट है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स डिड वर्ल्डली आर्ट ओरिजिनेट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्डली आर्ट की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है या हुई, बताइए। मैंने बताया था अभी थोड़े समय पहले कि ये बेसिकली एक ट्राइबल आर्ट है। ठीक है, ये बेसिकली एक ट्राइबल आर्ट है और ये महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। ठीक है, मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ। ये भी हमने डिस्कस किया है, फटाफट इसका आंसर बताइए। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, बहुत कुछ अभी हमें करना है और हम सब करेंगे। ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये हमने बताया था वो थोड़ी देर पहले, ये उड़ीसा को बिलोंग करता है। ठीक, अच्छा, जो पट चित्र ये जो है ना, ये दो वर्ड से बना हुआ, एक पट एक चित्र। ठीक है, पट का अर्थ क्या होता है? पट का होता है कैनवास। कैनवास क्या होता है? कैनवास एक वो पेपर होता है, एक वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, और चित्र का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर। तो इसी बेसिकली वर्ड से ये पट चित्र डिफाइंड है। ठीक है, इससे निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन गिवन जीआई टैग फॉर कसूती एम्ब्रॉयडरी। कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, बताइए। जीआई टैग आप लोग समझते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं इसको, इंडिकेटर कहते हैं। मतलब कोई ऐसा आर्ट वर्क जो कि वहां के ज्योग्राफिकल एरिया से स्पेसिफिक हो, जैसे कि मान लो कि बॉम्बे है, दिल्ली है, कोलकाता है, अगर वहां का कोई चीज ऐसा है जो कि वहीं बनता हो या बहुत दिनों से बहुत सालों से वहां बनता हो तो उसको जीआई टैग दिया जाता है उस एरिया के इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जीआई टैग का सूती एम्ब्रॉयडरी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली है कर्नाटका। कर्नाटका में ये पॉपुलर है जीआई टैग फॉर कस्तूरी एम्ब्रॉयडरी, ये कर्नाटका का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलर बाघ केव पेंटिंग आर फाउंड इन, अभी हमने इसको भी डिस्कस किया था, बताइए बाघ पेंटिंग जो है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उड़ीसा? यस राइट, वेरी गुड, इट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघ पेंटिंग देखा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो बाघ केव्स होते हैं ना, दे आर ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मोन्यूमेंट्स। ठीक है, ये जो 9 है ना, ये रॉक कट मोन्यूमेंट्स का एक सीरीज है। ठीक है, इसको बाघ पेंटिंग के रूप से हम जानते हैं। ठीक है, और ये है कहाँ? तो बेसिकली ये जो ये विंध्यास जो है ना कहाँ पे? धार डिस्ट्रिक्ट में। धार डिस्ट्रिक्ट आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, यहाँ पे बेसिकली ये रॉक आर्ट जो मोन्यूमेंट्स है ये अवेलेबल है। ठीक है, कभी अब आपको मौका मिले अगर आप मध्य प्रदेश जाएं तो प्लीज देखिएगा, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। हमारी कल्चर इतनी रिच है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यंग जनरेशन है वो इससे काफ़ी वंचित हैं, वो कहीं जाना पसंद ही नहीं करते हैं, है ना। आजकल तो हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। खैर ठीक है, अगले एक महीने के लिए तो हमें मोबाइल में ही लगना है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ ये सब जो मोन्यूमेंट्स हैं वो आप लोग घुमा कीजिए। ठीक है, हमारा पूरा इंडिया साउथ टू नॉर्थ प्लस वेस्ट टू ईस्ट इससे भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलरफुल आर्ट नेम नंदना ब्लॉक प्रिंट विच यूजेज ग्रेसफुल येट अलाइंड अरेंजमेंट ऑफ मोटिव ऑन द फैब्रिक इज प्रैक्टिस इन तारापुर विलेज ऑफ, किस राज्य की बात हो रही है? हिंदी में देख लेते हैं। नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांगनों की सुंदर परंतु
संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है का अभ्यास किस राज्य में के तारापुर गांव में किया जाता है? बताइए, बहुत सारे आपके पास यहाँ हिंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, एक हिंट तो है कि नंदना ब्लॉक प्रिंट, एक ये हिंट हो गया, दूसरा ये है कि तारापुर विलेज ये कहाँ पे है, ठीक है। बताइए क्या होगा ऑप्शन। आई होप कि कोई तारापुर से इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तारापुर विलेज मध्य प्रदेश में, जहाँ पे नन्ना ब्लॉक प्रिंट है वो पॉपुलर है, ठीक है। और ये तारापुर विलेज कहाँ है? मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नीमच डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे। ऑफ विच इंडियन स्टेट गमछा इज ए कल्चरल सिंबल, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? बताइए, गमछा आप लोग समझ रहे हैं, एक जो पतला सा कपड़े का टावल टाइप का होता है, टावल तो इनफैक्ट नहीं कहते हैं उसको, केरला, असम, राजस्थान या हरियाणा? अच्छा, ये क्या है गमछा? ये कल्चर सिंबल है, काफी पॉपुलर क्लोथ है कुछ स्टेट के लिए, ठीक है। आप लोगों में से कोई रूरल एरिया से होगा तो वहां देखे होंगे, बिना गमछा के तो लोग वहां चलते नहीं है, कंधे पे गमछा जरूर रखते हैं, ठीक है। कहीं घूमने भी जाते हैं, पहले की बातें हैं, अब तो ये काफी विलुप्त हो गया है, अब तो कल्चर सिंबल ही बन के रह गया है। तो आप बताइए, गमछा किस राज्य का कल्चर सिंबल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम, ठीक है, वो है असम, ऑप्शन बी, असम इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्या आपने देखा होगा, ये बेसिकली जो होता है इस तरह का होता है गमछा, और इसके जो बॉर्डर्स होते हैं ये लाल कलर के होते हैं। जो SMS गमछा आप लोगों ने देखा होगा, बॉर्डर्स लाल कलर के होते हैं, और कोई भी असम में अगर कोई डिग्निटरीज जाता है तो उसके सम्मान में उस गमछा उसके कंधे पे उड़ाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि देखा होगा। बायोपा इज अ ट्रेडिशनली हेड गियर ऑफ ट्राइब्स बिलोंगिंग टू, बायोपा से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है, किस जनजाति का पारंपरिक टोपी है बायोपा? बताइए, दिस इज बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में भी कोई डिग्निटरीज जाते हैं तो उसको इस टोपी से काफी सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्या? बायोपा, बायोपा इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द ट्राइब नियासी बिलोंग? आपको बताना है कि जो नियासी ट्राइब्स हैं वो किस राज्य को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो नियासी ट्राइब्स हैं वो किस राज्य को बिलोंग करते हैं, नियासी, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो नियासी जो ट्राइब्स है बच्चों, वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे और भी ट्राइब्स हैं। अच्छा, ये जो ट्राइब्स हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नियासी ट्राइब्स हैं ये भूटान में भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ और ट्राइब्स देख लेते हैं, जैसे कि बंगनी एंड डफला, ठीक है, ये दोनों ट्राइब्स भी हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो नियासी ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश में है, साथ साथ भूटान में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैठानी इज अ फॉर्म ऑफ स्पेस महाराष्ट्र, पैठनी महाराष्ट्र की किस शैली है, कौन सी शैली है पैठनी? पैठनी है क्या बेसिकली, बताइए। पैठनी जो है वो क्या है? आपको बताना है कि पैठनी महाराष्ट्र में है, और ये क्या है? ये तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में है, लेकिन ये है क्या? तो बेसिकली ये एक टेक्सटाइल वीविंग है, ठीक है, टेक्सटाइल वीविंग है जो कि हैंड द्वारा वीव किया जाता है, ठीक है, हैंड द्वारा इसकी बुनाई होती है, ठीक है, पैठानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है, कौन सी? इक्कत, चंदेरी, बंधनी या पैठनी? बताइए बताइए, ये कौन सा है जो एक गुजरात का टेक्सटाइल आर्ट है? इसका जो राइट आंसर है वो है बंधनी, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं, वो नाम कौन सा है? संगाड़ी, संगाड़ी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है, बंधनी को, ठीक है। ये गुजरात राजस्थान दोनों जगह पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं भूलना है। अच्छा, बंधनी मेकिंग सेंटर आपको इसके अलावा, गुजरात राजस्थान के अलावा
सिंध में भी मिल जाएगा, प्लस पंजाब में भी आपको ये कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। और पंजाब के अलावा अगर साउथ इंडियन बात करें तो तमिलनाडु में भी इसके सेंटर्स हैं जहाँ इसको बनाया जाता है, ठीक है, राजस्थान गुजरात के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो है ना वो ट्राइब्स पेंटिंग आर्ट देखा है, अब हम लोग जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हैं अगले 50 क्वेश्चन की सीरीज में, उसमें हम लोग फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आगे होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक सेटअप इन इंडिया वॉज, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, बताइए। आपको पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बताना है, ग्रामीण बैंक, अरोहन बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक या विकास बैंक। देखिए मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, किसी भी ऑप्शन में अगर एक नाम से मिला जुला दो ऑप्शन हो तो 90% चांस होते हैं कि उसी दो ऑप्शन में से एक आंसर होगा। अब देखिए यहाँ ग्रामीण बैंक और प्राथमा ग्रामीण बैंक है, आपको अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बैंक है एग्जैक्टली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथमा ग्रामीण बैंक। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, जब ये पहला ग्रामीण बैंक था तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना बेसिकली 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ठीक है। आपको अर्थशास्त्र में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उस क्वेश्चन में हमेशा आप याद रखेंगे कि ग्रामीण बैंक जो होते हैं वो भी एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अच्छा, ये जो बैंक होते हैं ना ग्रामीण बैंक है, इसमें ऑनरशिप होता है, ठीक है, इसमें ना ऑनरशिप होता है, ठीक है। इसमें तीन बेसिकली स्टेक होल्डर होते हैं, तो इस बैंक का जो 50% ऑनरशिप होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी, जैसे मान लीजिए कि आपके राज्य में आपने सुना होगा ग्रामीण बैंक है, तो उस ग्रामीण बैंक का टोटल जो उसका जो ओनरशिप है, ठीक है, 100% स्टेक होता है किसी चीज में, तो उसका जो 50% स्टेक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी 50% का क्या होता है, तो बाकी 50% में जो 35% होता है वो बेसिकली एक नेशनलाइज बैंक इसको करती है, नेशनलाइज बैंक इसको स्पॉन्सर करती है। जैसे बहुत सारे नेशनलाइज बैंक हैं तो वो ग्रामीण बैंक का स्टेक लेती है, ठीक है, जैसे 35% स्टेक लेती है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये बेसिकली स्टेक रखते हैं अपने पास किसी ग्रामीण बैंक का 35%। अच्छा, बचा हुआ 15% तो ये जो होता है ना उस रूरल रीजनल बैंक जो ग्रामीण बैंक होता है ना उसके पास होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, इस क्रम को प्लीज ध्यान रखिएगा, 50%, 35% एंड 15%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग इन हिंदी मूवी वॉज रिकॉर्डेड बाई म्यूजिक डायरेक्टर आरसी बोराल एंड पंकज मलिक इन विच ईयर, संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्थ गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था। फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग हिंदी मूवी में कब रिकॉर्ड किया गया था, बताइए। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बताइए प्लीज, कोशिश कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 1935, ठीक है। और कौन सी मूवी के लिए हुआ था पहला प्लेबैक सिंगर, जो पहला प्लेबैक सॉन्ग है वो किस मूवी के लिए हुआ था, इस मूवी का नाम था धूप छाव, धूप छाव, धूप छाव मूवी थी, उसका ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था किसके द्वारा, बोरल एंड पंकज मलिक, आरसी बोरल एंड पंकज मलिक, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट ट्रेन इनोग्रेटेड इन 1853, 1853 में जो पहला ट्रेन इनोग्रेट हुआ था वाज बिटवीन विच टू स्टेशन, काफी इजी क्वेश्चन है मुझे लगता है, बताइए 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। एग्जैक्टली, इससे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूं और भी इसके साथ क्वेश्चन, बताइए वो ट्रेन कौन से दो स्टेशन के बीच में थे, दिल्ली चंडीगढ़, मुंबई ठाणे, मुंबई सूरत या बेंगलोर मैसूर, क्या होगा आंसर। एग्जैक्टली, इसका जो आंसर है वो है बॉम्बे एंड ठाणे। मैंने आपको बताया है कि जब भी दो नाम हो तो चांसेस ये होते हैं कि उसी दो में से आंसर होता है, देखिए मुंबई दो दो बार है, ठीक है, तो मुंबई ठाणे के बीच में हुआ था। और कितना डिस्टेंस था क्या बता सकते हैं आप मुझे, कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दूरी थी 34 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कौन वॉइसरॉय था उस समय जब ये ट्रेन स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड
डलहौजी, इन्होंने डेडिकेट किया था इस ट्रेन को इंडिया को, ठीक है, लट डलहौजी। और एक जो बहुत रोचक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रेन है ना वो तीन इंजन द्वारा खींचा गया था, ठीक है, तीन इंजन मिलके इस ट्रेन को खींची थी, जो कि मुंबई थाने के बीच में चला था और ये 34 किलोमीटर के लिए चला था। और ये आपको मैं बता दूं, ये तीनों इंजन के नाम थे, ये जो तीन इंजन थे इनके अलग अलग नाम थे। इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे साहिब, साहिब, सिंध एंड सुल्तान। क्या थे ये तीनों? ये तीनों इंजन थे जो इस ट्रेन को खींचे थे, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। साहिब, सिंध, सुल्तान, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहिब, सिंध, सुल्तान क्या थे, और चारों ऑप्शन दिए रहेंगे। बेसिकली ये इंजन थे जिन्होंने भारत के पहले ट्रेन को खींचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, मैंने अपने स्टूडेंटों को हमेशा बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे कीवर्ड है वो क्या है? भारतीय। आपको भारतीय पहले बताना है, पहला रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं बताना है, पहला भारतीय कौन था ये बताना। सी डी देशमुख, एच वी आर लेंगर, पी सी भट्टाचार्य या एल के झा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी डी देशमुख। अच्छा, अगर यहाँ भारतीय नहीं होता तो क्या आंसर होता? पहले गवर्नर कौन थे तो उसका आंसर क्या हो जाता? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होता? आप मुझे प्लीज बताइए कि पहले भारतीय, मैं ये क्वेश्चन हम लोग आगे ठीक है देखेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट सेलिंग बोट मेड इंटायरली फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट एम्स टू रेज पीपल्स अवेयरनेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशन। वो कौन सा नाव है जो पूरी तरह से प्लास्टिक के कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव है? उसका उद्देश्य है महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उसका नाम आपको बताना है, बताइए नाम क्या है उस नाव का, उस नाम नाव का नाम था फ्लिप फ्लॉपी, ठीक है। फ्लिप फ्लॉपी एक नाव है जो बेसिकली प्लास्टिक के वेस्ट से बना हुआ है, और ये पूरे वर्ल्ड में ये अवेयरनेस फैलाना चाहता है कि जो प्लास्टिक का पोल्यूशन जो होता है ओशियन में, उससे कितना नुकसान होता है, ठीक है। आप लोग भी प्लास्टिक कम यूज किया कीजिए जितना पॉसिबल हो, एकदम तो निग्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन प्लीज अगर आप लोग चाहोगे तो प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं, और हमें अपने देश को खुद बचाना है, ठीक है। हम एक अलग ही मेंटालिटी में जीते हैं कि भाई मेरा क्या जाता है, ठीक है। लेकिन आप समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपके बाद जो आगे के लोग हैं, जो आपके आगे के जनरेशन है, उनके लिए आप कैसा देश छोड़ के जाओगे, ठीक है। क्या वो साफ सुथरा होगा? क्या वो लोग सांस सही से ले पाएंगे? ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। फ्लिप फ्लॉपी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप एट कोलकाता इन 1859? 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? श्रीरामपुर, मेसराव, हावड़ा या रिसरा, बताइए। जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बेसिकली इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था रिसरा में 1859 में। तो आज हमने जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स वगैरह टाइप्स वगैरह थे वैसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने इंडियाज में जो पहला है या वर्ल्ड में जो पहला है उसकी डिस्कशन स्टार्ट की है। 5-6 क्वेश्चन उसके भी हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप यू पीपल आर इंजॉइंग इट, आपको ये अच्छा लग रहा है। अगर आप कंटिन्यूसली बने रहेंगे तो बहुत जल्दी हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मेमोरी है उसमें ये चीज़ें अच्छे से जा रही होंगी, और आप अपना और हमारा, क्योंकि हम टीचर हैं, अगर आप अच्छा करते हो तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। प्लीज़ आप बहुत मन से पढ़ाई कीजिए, 1 महीना बचा है, और अच्छा स्कोर कीजिए। उसके बाद हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आप टायर 2 जो एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा करें। अभी के लिए आप प्लीज़ केवल टायर 1 अपने दिमाग में रखिए, ज़्यादा कोई चीज़ें दिमाग में नहीं रखना है, टायर 1 दिमाग में रखना है। और जो आपके स्क्रीन पे जो ब्लू बुक दिख रही है, इसको प्लीज़ बैक टू बैक कवर कीजिए। इसके अलावा जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें भी सीखने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ। मिलते हैं अगले फिर 50 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टडी हार्ड, प्लीज़ स्टडी स्मार्टली।